श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दर्शकों, श्राद्ध पक्ष की नौमी की तिथि के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। श्राद्ध पक्ष की नौमी को यदि आप अपने जीवन में किसी भी बीमारी से घिरे हुए हैं या फिर आपके परिवार का कोई भी सदस्य कोई भी बीमारी से घिरा हुआ है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या फिर आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या आ खड़ी होती है आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो आप यह छोटा सा उपाय करेंगे। नौमी तिथि के दिन श्राद्ध पक्ष की नौमी को करना है, इस बात का ध्यान रखें। आपको एक बड़ का पत्ता लेना है, वट वृक्ष से साफ सुथरा एक बड़ का पत्ता ले लें, उसे आप धो लें अच्छी तरीके से। उस पर आपको कुछ दाने काले तिल के रखने हैं और कुछ दाने जौ के रखने हैं। जौ आप समझते होंगे जो कि हवन वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, उसके दाने आप रख लें। और जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, उस पर से आपको 21 बार उस पत्ते को उतारना है, यानी 21 बार उसे उतार लें और फिर बहते पानी में छोड़ दें, या फिर बहता पानी ना मिले तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे उस पत्ते को रख दें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तुरंत ही ठीक हो जाएंगी, जीवन में कभी स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया है। यह उपाय बहुत ही कारगर है। आप अगर अपने जीवन में बीमारियों से परेशान हैं, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, तो यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और भी कई ऐसे उपाय डले हुए हैं जो पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा हमारे चैनल पर बताए गए हैं, और कई ऐसे उपाय होते हैं जो शिव महापुराण के दौरान आप नोट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हीं उपायों को हम अपने चैनल के द्वारा बता रहे हैं प्रैक्टिकली आपको समझाते हुए। तो आप उन उपायों को देखें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल पर बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी अपनी परेशानियों का हल मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।